सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट से बनानी पड़ी, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, तो मैं आज आप लोगों के सामने ये वीडियो लेके आई हूँ। मेरे उस सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट्स किया था, मैम डू ए हिना एप्लीकेशन ट्रीटमेंट एंड रैप अप योर हेयर इन ए टॉवल लाइक ए बन। उनका कहने का मतलब ये है कि हम अपने बालों पे कैसे मेहंदी लगा सकते हैं, वो भी तोलिए के शेप में। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग मेहंदी लगाते हैं तो कई लोग कई तरीके से अपने बालों पे मेहंदी लगाते हैं, तो वो चाहते हैं जैसे हम लोग तोलिए के शेप में, एक जुड़ा शेप में जैसे हम बोलते हैं, टावल की शेप भी हम उसे बोलते हैं, उस शेप में हम अपने बालों पे मेहंदी कैसे लगा सकते हैं। तो आज की मेरी ये वीडियो उन्हीं के लिए है, सो आई होप उनको मेरी ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए देखते। सो हे गाइस, सबसे पहले मैंने हैंड ग्लव्स पहन लिए हैं। तो सबसे पहले हम डाउन एरिया से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रैंड लिया है, उस स्ट्रैंड की साइज मैंने थोड़ा ज़्यादा ले ली है, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। अगर आप लगाते हैं हिना को अपने बालों पे, तो आप बालों के स्ट्रैंड थोड़ा कम रखें। सबसे पहले हमें उस स्ट्रैंड के अराउंड और स्कैल्प पर हिना लगानी है अच्छे से, पूरे स्कैल्प को हमें कवर करना है। तो जैसे आप लोगों को वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप लोगों को वही स्टेप फॉलो करना है। उसके बाद हमें अपने पूरे बालों को हिना लगा लेना है, यानी कि स्कैल्प से लेकर टिप तक हमें पूरा अपने बालों पे हिना लगाना है।
सो गाइस देखा ना आप लोगों ने कितना इजी तरीके से हम लोग अपने बालों पे मेहंदी लगा सकते हैं और टावल की शेप अपने बालों को दे सकते हैं। सो गाइस अगर आप लोग भी मेहंदी लगाने के शौकीन हैं और आप लोगों को मेहंदी लगाना नहीं आता है तो आप लोग जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है उस तरीके से अपने बालों को स्टेप बाय स्टेप मेहंदी लगा सकते हैं। सो गाइस आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। गाइस एक और बात आप लोगों से कहना चाहूंगी, अगर आप लोगों की भी कोई रिक्वेस्ट है, आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करूंगी। तो गाइस मिलती हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।